नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरी शंकर। आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। निजी स्कूलों की मनमानी से देश भर के अभिभावक परेशान हैं। अलग अलग प्रदेशों के पास निजी स्कूलों की मनमानी को रोकने के लिए अपने अपने कानून हैं। अगर अलग अलग प्रदेशों की बात करें तो दिल्ली, राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु ने अपने नियम कायदे कानून बना रखे हैं। वहाँ पर कानून है कि निजी स्कूलों को कैसे अंकुश लगाना है। लेकिन यूपी में निजी स्कूलों की मनमानी को लेकर योगी सरकार बहुत ही सख्त होने जा रही है। साथ ही साथ अगर आप इन प्रदेशों के साथ यूपी की बात करें तो छठा बड़ा प्रदेश होगा जहां पर निजी स्कूलों के खिलाफ इस तरह के कानून बनने जा रहे हैं। तभी विधानसभा में इस विधेयक को ध्वनि मत से पारित कर दिया गया जो निजी स्कूलों की दबंगई और मनमानी पर लगाम लगा सकेगा। विधेयक में साफ तौर पर कहा गया है कि अप्रैल 2018 में जो नियमावली बनाया गया उसे हर हाल में लागू किया जाएगा और निजी स्कूलों के फीस नियम पर बाकायदा एक समिति गठित करने का भी प्रावधान कर दिया गया है। देखते हैं खास कार्यक्रम। जहां उत्तर प्रदेश विधानसभा ने निजी स्कूलों के फीस में मनमानी बढ़ोतरी को रोकने के लिए एक विधेयक पारित किया। उत्तर प्रदेश स्ववित्त पोषित स्वतंत्र स्कूल फीस नियमन विधेयक 2018 को विधानसभा में ध्वनिमत से पारित कर दिया गया। विधेयक में राज्य के निजी स्कूलों के फीस ढांचे के नियमन का प्रावधान है। विधेयक अप्रैल में लाए गए अध्यादेश की जगह लेगा। इस विधेयक के उद्देश्य और कारणों में कहा गया है कि राज्य सरकार के संज्ञान में लाया गया था कि स्ववित्त पोषित विद्यालय छात्र छात्राओं के माता पिता से सलाह लिए बिना मनमाना फीस बढ़ा रहे हैं। विधेयक जिला नियामक समितियों के गठन का प्रावधान करता है। समिति जिला अधिकारी की अध्यक्षता वाली होगी। समिति में एक चार्टर्ड अकाउंटेंट होगा, एक पीडब्ल्यूडी इंजीनियर होगा। इंजीनियर की जो रैंक होगी अधिशासी अभियंता से नीचे का लेवल नहीं होना चाहिए। वहीं उत्तर प्रदेश राज्य वित्त एवं लेखा सेवाओं से एक वरिष्ठ अधिकारी भी समिति में एक अधिकारी को रखा जाएगा। इसके अलावा इस समिति में अभिभावक एसोसिएशन का एक प्रतिनिधि, निजी स्कूल का प्रधानाचार्य या प्रबंधक और जिले का स्कूल इंस्पेक्टर भी इस समिति में उन्हें शामिल किया जाएगा। और समिति का काम होगा जो फीस का जो नियमन है उसका जो ढांचा है पूरी तरह से उस पर नज़र रखे। तो सरकार की तरफ से जो विधेयक पास किया गया है, विधेयक जब कानून बनेगा तो इसका कितना असर होगा अभिभावकों के लिए वाकई में एक बड़ी अच्छी खबर है, क्योंकि लगातार इन लोगों की तरफ से संघर्ष किया जा रहा था इस पूरे मसले पर। और उत्तर प्रदेश की सरकार की तरफ से कम एक राहत भरी खबर आई है। और चलिए आपको बताना चाहें कि विधेयक में जिस नियामक समिति के गठन का प्रावधान है, दरअसल उस समिति का रूपरेखा क्या होगा, उसकी प्रोफाइल कैसी रहेगी। विधेयक में नियामक समितियों के गठन का प्रावधान किया गया है, मैं थोड़ा सा आपको बता भी रहा हूं। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में समिति का गठन होगा। समिति में विधेयक में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में समिति का गठन करने का इसमें विधेयक में प्रावधान किया गया है। इसके अलावा आपको बता दें कि इस समिति में और कौन कौन लोग होंगे। इन्हीं समितियों के आधार पर पूरे उत्तर प्रदेश के निजी स्कूलों पर नजर रखी जाएगी। समिति में एक चार्टर्ड अकाउंटेंट भी होगा जो निजी स्कूलों के अकाउंट पर इसकी खास तौर पर नज़र होगी। देखिए कितनी अच्छी व्यवस्था की गई इस विधेयक में। इस विधेयक को काफ़ी असरदायक माना जा रहा है। अगर कानून बनने के बाद इसे लागू किया जाएगा तो इंजीनियर की रैंक जो होगी, जो इंजीनियर रखने की बात हो रही है, अधिशासी अभियंता के बराबर उसकी रैंक होनी चाहिए, उसे कम नहीं होनी चाहिए। राज्य वित्त एवं लेखा सेवाओं में से एक वरिष्ठ अधिकारी को भी समिति में जगह दी गई है। उन्हें भी अनिवार्य रूप से इस समिति का हिस्सा बनाया जाएगा। इसके अलावा जो समिति में और जो जिन लोगों को रखा जा रहा है, समिति में अभिभावक एसोसिएशन का एक प्रतिनिधि, पेरेंट्स एसोसिएशन का एक प्रतिनिधि भी इसमें होगा। तो समझा जा सकता है कि जिनकी लगातार मांग होती रही है अपने बच्चों के लिए फीस स्ट्रक्चर को लेकर, जो शिकायतें रही हैं, यहाँ से उन शिकायतों को दूर भी करने का एक बड़ा विकल्प दिख रहा है। निजी स्कूल का प्रधानाचार्य, प्रिंसिपल या प्रबंधक भी, यानी कि मैनेजर जो वहाँ का मैनेजमेंट कमेटी है उसमें से किसी एक सदस्य को रखने का प्रावधान किया गया है। जिले का स्कूल इंस्पेक्टर भी होगा इस समिति का सदस्य। तो निजी स्कूलों पर नियामक समिति किस तरह से नज़र रखेगी,
इसके बारे में पूरी तरह से हम आपको जानकारी दे रहे थे। विधेयक में इस तरह के प्रावधान किए गए हैं, लेकिन अब हम आपको बताना चाहेंगे कि 3 अप्रैल 2018 को लखनऊ में हुई यूपी कैबिनेट की बैठक में स्कूलों में मनमानी फीस पर नियमावली का प्रस्ताव पेश किया गया था, जिसे पारित भी कर दिया गया था। इस नियमावली के दायरे में प्रदेश के 20,000 रुपये से अधिक फीस लेने वाले स्कूल आएंगे। तो आपको हम दिखा रहे हैं कि निजी स्कूलों को 7 से 8% से ज़्यादा फीस वृद्धि अब नहीं कर सकता। जो नियम बनाए गए थे उस नियम को हम लगातार आपको बता रहे हैं। क्लास 12 तक सिर्फ एक बार ही एडमिशन फीस देना होगा। बहुत तरह के इसमें पॉइंट्स रखे गए थे, बकायदा इसके लिए सलाह लिया जा रहा था कि किस तरह से नियम बनाए जाने चाहिए। क्लास 12 तक सिर्फ एक बार ही एडमिशन फीस लेने का प्रावधान रखा गया था। जो नियमावली बनाया गया उसी पर विधेयक भी पास हो गया है। समझा जा सकता है कि कानून बनने में अब देर है नहीं। दायरे में 20,000 से ज़्यादा फीस लेने वाले स्कूल को शामिल किया गया है। जो 20,000 से अधिक फीस वसूलते हैं उनके ऊपर पूरी तरह से योगी सरकार ने अपना हंटर चलाया है। पहली बार नियम तोड़ने पर 1,00,000 का जुर्माना लगेगा। अगर जो नियमावली जो बनाया गया है निजी स्कूलों के लिए, विधेयक के बाद कानून बनेगा, अगर उस कानून को कोई तोड़ेगा तो 1,00,000 का जुर्माना पहली बार में, दूसरी बार अगर नियम कोई तोड़ेगा तो 5,00,000 का जुर्माना लगेगा। साफ तौर पर कहा गया इस नियमावली में, और इसे ध्यान देकर के ही अब निजी स्कूलों को काम करना पड़ेगा। और तीसरी बार अगर कानून बनने के बाद उस कानून को तोड़ा जाता है तो तीसरी बार कानून तोड़ने पर स्कूल की मान्यता भी रद्द हो सकती है। हम इस अध्यादेश के वक्त की बात कर रहे हैं जब नियमावली बनाया गया। इसके बाद देखिए विधेयक भी पास हो गया है, कानून बहुत ही जल्द आने वाला है। स्कूलों को, निजी स्कूलों को समझ लेना होगा, कॉमर्शियल एक्टिविटी आय को स्कूल की आय में दिखानी होगी। ऐसा नहीं है कि आप कॉमर्शियल एक्टिविटी के नाम पर कुछ ही पैसे, अनाप शनाप पैसे आप वसूल रहे हैं और उसे अपने स्कूल की आय में नहीं दिखा रहे, नहीं चलेगा। रजिस्ट्रेशन, एडमिशन, परीक्षा शुल्क समेत 4 तरह के शुल्क को अनिवार्य रखा गया है। इसके अलावा अगर कोई शुल्क लिया जा रहा है, बस, मेस, हॉस्टल जैसी सुविधाएँ पूरी तरह से वैकल्पिक होंगी। अगर बच्चे चाहते हैं कि हम इससे जाना चाहें तभी जा सकते हैं, अन्यथा प्रेशर निजी स्कूलों की तरफ से नहीं डाला जाएगा। शैक्षिक सत्र के 60 दिन पहले खर्च को डिस्प्ले करना पड़ेगा, कितना खर्च आपने किया, कितना पैसा आया, कितना खर्च आपने किया, और 2 महीने पहले पूरी तरह से दिखाना होगा। और इसकी पूरी जो इसकी जो डिस्प्ले होगी वो वेबसाइट पर आपको दिखाना होगा। 5 साल तक ड्रेस में परिवर्तन नहीं कर सकते, हर साल ड्रेस में परिवर्तन होता है और लाखों रुपए अभिभावकों की तरफ से वसूले जाते हैं, वो अब नहीं चलेगा। सभी खर्चों को वेबसाइट पर दिखाना होगा स्कूलों को, जैसा कि पहले ही बताया आपको कि 60 दिन पहले खर्चों को दिखाना होगा। तो किस तरह के नियम बनाए गए हैं और उसी नियम पर विधेयक को पास कर दिया गया है। तय दुकान से किताब और यूनिफॉर्म खरीदना बाध्य नहीं है, अगर ऐसा करते हैं तो नियम के खिलाफ है। और अगर नियम आप तोड़ते हैं तो जैसा कि हम आपको बता भी रहे थे कि 3 बार नियम अगर तोड़े तो स्कूल की मान्यता भी रद्द हो सकती है। निजी स्कूलों को हर साल फीस बढ़ाने पर रोक लगानी होगी। हर साल नहीं बल्कि जो तय नियम है उसके हिसाब से ही फीस आप बढ़ा सकते हैं, वरना नहीं बढ़ा सकते हैं। तो इस तरह से कई तरह की इस पूरे मामले में पेरेंट्स की तरफ से जो शिकायतें थी लगातार आ रही थी, सरकार की तरफ से कई सरकारें आईं चली गईं, लेकिन योगी की सरकार, बीजेपी की सरकार जब उत्तर प्रदेश में आई तभी इस तरह के नियम बनाए गए, पेरेंट्स के हित के लिए नियम बनाए गए। और वाकई में जो विधेयक पास हुआ है वाकई में बहुत ही अच्छी खबर है अभिभावकों के लिए। तो नियमावली जो बनाया गया था उसमें कई तरह की बातों का जिक्र किया गया था, जैसा कि अगर नियम, जैसे विधेयक पास हो गया, कानून बनेंगे, लेकिन अगर कोई तोड़ता है, 3 बार अगर कोई तोड़ता है कोई निजी स्कूल, तो उसकी मान्यता रद्द हो सकती है। और चलिए, 3 मेहमान इस वक्त हमारे साथ हैं। तीनों मेहमान से बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे, जानने और समझने की कोशिश करेंगे कि अब कितना असर होगा। विधेयक पास हो गया, कुछ समय के बाद कानून भी आ जाएगा, तमाम तरह के नियम भी बना दिए गए हैं। तो विभा शुक्ला जी इस वक्त हैं समाजवादी पार्टी के नेता, जयप्रकाश पांडे जी बीजेपी के नेता, और सीमा त्यागी जो कि गाजियाबाद पेरेंट्स एसोसिएशन की अध्यक्ष हैं, इन तीनों से बातचीत करेंगे। सबसे पहले चलते हैं सीमा जी के पास चलते हैं, क्योंकि सीमा जी सबसे, अगर इस पूरे मसले को लेकर, इस पूरे मामले को लेकर अगर किसी ने सबसे अधिक संघर्ष किया होगा कि आज विधेयक भी पास हुआ उत्तर प्रदेश की सरकार की तरफ से, तो सबसे नज़दीक से देखने वाली सीमा त्यागी होंगी।
सीमा जी, कितनी अच्छी खबर है आपके लिए। गौरीशंकर जी, खबर वाकई अच्छी है और सबसे पहले मैं इस सरकार को धन्यवाद करना चाहती हूँ कि कम से कम प्राइवेट स्कूलों पर अंकुश लगाने के बारे में सोचा तो सही, और जो बिल की जो असलियत है जी। आपने जैसे खुद ही कहा कि सबसे बारीकी से देखा, तो बिल की असलियत जो आपने बयान की, मैं आपके शब्दों को ही उठाती हूँ। आपने एक शब्द बिल में बताया कि मान्यता रद्द कर दी जाएगी जी, अगर 3 बार वॉयलेशन हुआ। एक्चुअल में गौरीशंकर जी, बिल में जो असल में है और जो बाहर निकाला जा रहा है, दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। जैसे आपने कहा कि मान्यता रद्द कर दी जाएगी, तो स्टेट गवर्नमेंट के पास मान्यता देने का अधिकार ही नहीं होता, तो रद्द कैसे करेंगे? मान्यता तो CBSE बोर्ड देता है, तो CBSE बोर्ड को तो रेगुलेट नहीं करती है यूपी गवर्नमेंट। यूपी गवर्नमेंट तो सिर्फ NOC देती है प्राइवेट स्कूल्स को, मान्यता नहीं देती। नहीं, तो अभिभावकों में जो भ्रम फैलाया जा रहा है कि इनकी मान्यता रद्द कर दी जाएगी, तो मान्यता रद्द वही बॉडी तो करेगी जो मान्यता देती है। नहीं, मान्यता तो CBSE देता है। देखिए, यूपी बोर्ड के पास तो कोई अधिकार नहीं है मान्यता देने का। सीमा जी, विधेयक जो पास हुआ, सीमा जी आपने विधेयक पढ़ा? हाँ, विधेयक मैंने पढ़ा। विधेयक में देखिए, मैं मेरी एक मिनट मेरी बात सुन ले। विधेयक में जो मैं नियमावली बता रहा था, वो अध्यादेश के बाद नियमावली बनाया गया कि देखिए इस तरह के नियम बनाए गए। आप ही लोगों ने दिया होगा सुझाव, तभी सरकार ने इस तरह के नियम बनाया होगा, क्योंकि आप लोगों का संघर्ष था। इसके बाद विधेयक पास हुआ। विधेयक में एक प्रावधान किया गया है कि एक समिति का गठन होगा। समिति में कौन कौन होंगे? तो जिला अधिकारी की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया जाएगा। उसमें चार्टर्ड अकाउंटेंट होंगे, सरकार के कुछ अधिकारी होंगे। साथ ही साथ उसमें एक जो सबसे जरूरी चीज रखा गया है कि किसी भी निजी स्कूल का प्रबंधक होगा, नहीं तो वहाँ का प्रिंसिपल होगा। और साथ ही साथ आप जैसे लोग, जो गाजियाबाद पेरेंट्स एसोसिएशन के आप अध्यक्ष हैं, आप जैसे लोगों को भी उस समिति में जगह दी जाएगी। मैं जानना चाहता हूँ, जो नई बात इसमें सामने आ रही है कि समिति, जैसा कि मैं कह रहा था कि मान्यता रद्द हो जाएगी, मैं थोड़ी कह रहा हूँ, नियमावली में बताया गया है। मुझे बताएं कि अगर समिति के पास पूरे अधिकार आ गए हैं, कोई अधिकार नहीं है समिति के पास, तो ये बताएं ना। मैं तो जानना चाह रहा हूँ। देखिए, विधेयक पास हो गया, कानून बनेगा, उससे पहले अपनी बात रखें आप। सीमा जी, लंबा संघर्ष आपका है। मैं वही बात आपके माध्यम से यहाँ रखना चाह रही हूँ कि जो नियमावली बनी है, उस नियमावली में ये कहा गया है कि मान्यता रद्द कर दी जाएगी, जबकि मान्यता देने का अधिकार स्टेट गवर्नमेंट को नहीं होता। सिफारिश तो कर सकते हैं ना सीमा जी। देखिए, तरीका एक्शन लेने का तरीका अलग अलग होता है। नहीं, समिति, कुछ नहीं है। समिति अगर बन गई, समिति अगर बन गई, तो समिति सिफारिश तो CBSE और ICSE बोर्ड को कर सकता है। अभी तक यही तो होता रहा है, सिफारिशें भेजते रहे हैं, कमेटी बनती जा रही है। हिंदुस्तान में कमेटी बनने के अलावा अभी तक कुछ और हुआ है गौरीशंकर जी? क्या 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 सीमा जी, क्या लगता है कि विधेयक, सीमा जी एकदम क्लियर कट बात करें, क्या लगता है विधेयक पास हो गया, विधेयक पास होने के बाद कुछ समय के बाद कानून बनेगा, क्या लगता है जो कानून है उसका असर होगा निजी स्कूलों के ऊपर, कुछ असर पड़ेगा? गौरीशंकर जी, मैं आपको रियलिटी बताऊं कि जब बिल बनाने की बात आई थी, क्योंकि एक मिनिस्टर की अप्रोच और एक सरकारी व्यक्ति की अप्रोच अलग होती है। जब बिल बनाने की बात आई थी, तो बिल बनाने के लिए तीनों मीटिंग हुई थी, और तीनों मीटिंग में मैं लखनऊ थी जी, जिसमें हमारे एजुकेशन मिनिस्टर भी थे दिनेश शर्मा जी, हाँ। गाजियाबाद के जो राज्य मंत्री हैं अतुल गर्ग जी, वो भी थे, हाँ। सुनील शर्मा जी भी थे, हाँ। अजीत त्यागी जी भी थे, जो यहाँ के विधायक हैं जी। और मुझे ये कहते हुए बड़ा दुख हो रहा है कि जो पॉइंट हम लोगों ने अतुल गर्ग जी के माध्यम से भिजवाए थे वहाँ, क्या पॉइंट रखा था आपने? पॉइंट बताइए सीमा जी, क्लियर कट बात करते हैं हम लोग। हाँ, क्लियर कट बात करते हैं। हमने पॉइंट ये रखा था कि आप जैसे गुजरात में आपने किया है कि आप स्लैब डिसाइड कर दीजिए कि प्राइमरी की फीस 15,000 से ज्यादा नहीं होगी पर ईयर, और माध्यमिक की जो है 20,000 से ज्यादा ना हो, और सीनियर सेकेंडरी की 25,000 से ज्यादा ना हो। आप नियम बना रहे हैं, तो नियम को क्लियर कट कीजिए ना। आप नियम ऐसे लूज बॉल वाले क्यों बना रहे हैं? हमने उनसे ये कहा था कि आप एक नया नियम, एक नया बिल लाने की जरूरत क्या है? कोर्ट ने अब तक जो आदेश दिए, उन आदेश को फॉलो करा दीजिए। कोर्ट ये कहती है, CBSE बोर्ड ये कहता है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि जो हमारे स्कूल्स हैं, वो हमारे स्कूल्स नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशंस हैं।
एजुकेशन इज द कम्युनिटी सर्विस नॉट फॉर प्रॉफिट मेकिंग। और आपकी नियमावली कह रही है कि कॉमर्शियल एक्टिविटी करेंगे तो खर्चे में दिखाएंगे। कॉमर्शियल एक्टिविटी तो स्कूलों में अलाउ ही नहीं है। आप इनको होटलों की तरह ट्रीट कर रहे हैं क्या? आप होटल समझ के बना रहे हैं ये बिल? नहीं, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, आप कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर बिल बना रहे हैं क्या? सीमा जी, जो बात आप उठा रही हैं, दरअसल यही कई तरह की बातें जो अभिभावक हैं उनके जहन में इस वक्त उठ रहा होगा। मैं भी एक अभिभावक हूँ, मैं भी एक अभिभावक के तौर पर ही सोच रहा हूँ। हालांकि मैं दिल्ली में रहता हूँ, लेकिन दिल्ली में नियम कानून बन चुके हैं, चीजें वहाँ पर बेहतर मुझे अब दिखने लगी है। नहीं, हम जो दिल्ली, मैं जो थोड़ा, मैं जयप्रकाश पांडे जी से मैं जरा पूछना चाहूंगा। बीजेपी के नेता है जयप्रकाश जी, सीमा जी की तरफ से जो सलाह दिया गया, मैं सीमा जी को एक प्रतिनिधि के तौर पर देख रहा हूँ, इनके जैसे हजारों लोगों ने सरकार के पास अपनी सलाह भेजी होगी, मैं थोड़ा जानना चाहता हूँ, इसके बावजूद विधेयक पास होने के बाद कानून ही बनेगा, इसके बावजूद लोगों में कॉन्फिडेंस क्यों नहीं दिख पा रहा? जयप्रकाश जी, कॉन्फिडेंस दिखना चाहिए था कि योगी जी सख्त हैं इस पूरे मामले को लेकर, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन इसके बावजूद अभिभावकों का दिल नहीं जीत पा रहे हैं वो। विधेयक पास होने के बाद भी, इसके पहले नियमावली बनाया गया, कई अभी इसमें पेंच फंसे हुए हैं। जी गौरी शंकर जी, जी आवाज नहीं आ रही, जी आवाज आई अब तक? जी 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 जी, हमने आपका प्रश्न सुन लिया है जी, चलिए बताइए तो आप। ये जहाँ तक सीमा त्यागी जी का सवाल है, ये कह रहे हैं कि विभागों में अविश्वास है, ऐसा कुछ है ही नहीं है, चूंकि आदरणीय योगी जी की सरकार एक वर्ष के भीतर, इसके पहले ये जो प्राइवेटाइजेशन की समस्या है, निजीकरण की, बाजारीकरण की स्कूल के, ये 1990 से चली आ रही है, और उत्तर प्रदेश में तब से तमाम सरकारें आई, उन्होंने इस ओर कोई भी ध्यान नहीं दिया। एक वर्ष से कम समय में हमारी सरकार ने संवेदनशीलता दिखाते हुए ये एक, जैसा कि आपने डिटेल बताया ही है, एक बहुत ही कारगर अधिनियम ले आई है। इसमें ये साफ साफ लिखा गया है कि जो फीस लेते हैं आप, उसको अनिवार्य रूप से वेबसाइट पे दिखेंगे और दिखाएंगे, उसमें दो लिस्ट होगी, एक वैकल्पिक फीस है, एक मूल। पुरानी बात नहीं करते हैं जयप्रकाश जी, नहीं सब पता है, ये सब पता है, सब पता है, बिल पढ़ा है, नहीं सब पता है। मैं एक मिनट सीमा जी रुकिए, एक मिनट रुकिए, मैं आपके पास आऊंगा। जयप्रकाश जी नई बात करते हैं, जो विधेयक पास हुआ, जो विधेयक पास हुआ, कानून बनने में थोड़ा सा वक्त लगता है, कानून बनेगा, लेकिन मानकर चलिए बन ही जाएगा, क्योंकि विधेयक पास हो गया तो बनना तय है। मैं थोड़ा ये बात जानना चाहता हूँ कि कानून का असर कितना दिखेगा, इस पर सवाल मेरा ये है, इस पर आप जवाब दें। जो नियम बनाया गया हो तो ठीक है, सीमा जी उस पर सवाल भी उठा रहे हैं। कानून का असर, जी कानून का असर योगी सरकार के, चाहे लॉ एंड ऑर्डर का हो, चाहे एजुकेशन का हो, एक परीक्षा हमारी सरकार ने ली है, आपके संज्ञान में होगा, यूपी बोर्ड की पहले की परीक्षाएं होती थी, और ये परीक्षा कितनी नकल हुई पूरा प्रदेश जानता है। जहां तक बाकी सवाल है कानून का, वो बताने की जरूरत नहीं है कि अपराधी या तो जेल में है, नहीं तो छोड़ के चले गए। चलिए ठीक है, इस नेक्सस को मैं जो नेक्सस इसलिए कह रहा हूँ कि हर लोगों को पता है कि निजी स्कूलों का नेक्सस किस तरह से फैलता है, खास करके अगर समाजवादी पार्टी कि सरकार के दरमियान अगर बात करें तो अब कई लोगों ने तो आरोप लगाया कि समाजवादी पार्टी की जब सरकार थी तो सबसे अधिक फला फूला निजी स्कूल का बिजनेस। विभा शुक्ला जी, बस मैं इतना जानना चाहता हूँ, विभा जी मैं इतना जानना चाहता हूँ कि आप लोगों ने कुछ भी नहीं किया, अखिलेश यादव की तरफ से कोई इनिशिएटिव नहीं लिया गया, बल्कि मैं पढ़ रहा था थोड़ी देर पहले खबर कि लोग अभिभावक परेशान हो रहे थे, लोग बेचैन थे, उनके स्कूलों के फी बढ़ रहे थे, और अखिलेश यादव ने ऐलान किया कि सफाई में हम प्राइवेट स्कूल खोलेंगे और एकदम से कॉरपोरेट की तरह ही स्कूल होगा। बड़ी अजीब तरह की बात पढ़ने के दरमियान सारी चीज़ें निकल कर सामने आ रही थी। आप लोग अभिभावकों की संवेदना को लेकर बिल्कुल ही कुछ नहीं किया, जब तक अखिलेश की सरकार थी तब तक निजी स्कूल लगातार फलता फूलता रहा। विभाजी आरोप ना लगाए, बात सुने, आरोप ना लगाएं बहुत ज्यादा। नहीं आरोप नहीं है, सच्चाई यही है ना, पॉलिटिकल पार्ट सच्चाई है, आरोप में थोड़े लग, मैं क्यों आरोप लगाऊंगा, आरोप लगाने के लिए जयप्रकाश जी बैठे हुए हैं आपके ऊपर। डिबेट को चेंज करें गौरी शंकर जी, अब इसका हल, ये बहुत बढ़िया मुद्दा है और इस मुद्दे पे पूरा देश परेशान है, इस पे बात कर लेते हैं। पहले
देखिए सबसे पहली बात, मैं किसी नेता से बढ़के अपने दो बच्चों की माँ हूँ, दो बेटों की माँ हूँ। नेताओं को तनख्वाह नहीं मिलती, पूरी दुनिया जानती है। और जिस तरीके से प्राइवेट स्कूलों में बढ़ी हुई फीस है, उससे मैं खुद भी परेशान हूँ और पूरी जनता परेशान है, पूरी माए परेशान है। मैं सीमा त्यागी जी को सल्यूट करना चाहूंगी कि उन्होंने एक बड़ी मुहिम पे काम किया है और वो खुद अपने मुंह से कह रही हैं कि जैसा रिजल्ट वो चाहती थी वैसा रिजल्ट इस विधेयक में नहीं है। तो यदि सरकार सचमुच अभिभावकों का भला चाहती है, बच्चों के साथ इंसाफ चाहती है, शिक्षा का स्तर बढ़ाना चाहती है, और जो ये बढ़ती हुई फीस है, सबसे बड़ा मुद्दा है बढ़ती हुई फीस, इस पे काम करना चाहती है, तो जो त्यागी जी कह रही है, मैंने इस विधेयक को बहुत ध्यान से अभी नहीं पढ़ा है, जो एक जो फीस का जो इनका स्ट्रक्चर्स है, जैसे आप कहते हैं कि हर साल इनको विभाजी पढ़ के आना चाहिए था, स्कूलों का नहीं विभाजी पढ़ के आना चाहिए था। देखिए पढ़ के आना चाहिए था। मैं देखिए सवाल मैं सवाल अगर कुछ ही पूछूंगा तो आप कहेंगे राजनीतिक सवाल पूछ रहे हैं। मैं कैक दिया था मैंने, सुनिए 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 विभाजी सुनिए, मेरे एक सवाल का जवाब दें, मेरे एक सवाल का जवाब दें गौरी शंकर जी। अरे विभाजी ऐसे कैसे हो, ऐसे आप पढ़ के आई नहीं, आप पढ़ के आई नहीं, इसके बाद आप कैसे मेरे सवाल का जवाब कैसे दे पाएंगी आप? अरे आपको सुनना नहीं है, आप बैठाते क्यों हैं जब सुनना नहीं है भाई? मैं तो इसलिए बैठा है आपको ना कि आपने पढ़ के आया होगा, आपको विधेयक के बारे में पता ही नहीं है, मेरे सवाल का क्या जवाब दे पाएंगे विभाजी? पढ़ने से क्या नहीं होता, पढ़ने से समस्याओं का पता नहीं चलता। आप प्रैक्टिकल लाइफ में अगर आपके जिंदगी में समस्या है तो आपको पता चलेगा। सीमा त्यागी जी से पूछे कितनी समस्या है, या मैं एक माँ हूँ कितनी समस्या है मुझसे पूछे। कितने प्राइवेट संभ्रांत लखनऊ में जो स्कूल चल रहे हैं, कितने गरीब बच्चों का एडमिशन कराते हैं, कहीं नहीं कराते। नर्सरी कॉलेज की फीस मैं आपको बताऊँ, 2 से 3 हजार रुपया, 4 हजार रुपया, 6 हजार रुपया, कई कई 12 हजार रुपए तक लखनऊ के अंदर प्राइवेट स्कूलों की फीस है। यदि गरीब आदमी अपने बच्चे को पढ़ाना चाहे नहीं पढ़ा सकता। इनफैक्ट जो संभ्रांत अच्छे घर के लोग हैं, बात सही कह रही हैं आप विभाजी, और इन मनमानियों से विभाजी बात बात आप बिल्कुल सही कह रही हैं, आप बिल्कुल सही बात कर रही हैं, लेकिन सुनिए जब फीस का एक्सट्रैक्शन विभाजी सुनिए मेरी बात, सुनिए विभाजी बात आप बिल्कुल सही कह रही हैं, लेकिन यहाँ पर विभाजी अगर बैठी हैं, जयप्रकाश जी बैठी हैं, विभाजी यदि समाजवादी पार्टी को सुनाना चाहते हैं, एक माँ को नहीं सुनना चाहते तो क्या करें? और मैं आपको बता दूं, समाजवादी पार्टी ने जितना काम किया है प्राइवेट स्कूलों, बताइए क्या काम किया, मैं तो ही पूछना चाह रहा था। किया नहीं, आप सही पॉइंट पे आ गए विभाजी, बताइए नहीं बताइए ना क्या काम किया। बीजेपी से सवाल नहीं कर रहे हैं, जो स्वयं नहीं अपने बच्चों को बीजेपी से विभाजी आप नहीं दिया इन्होंने, आप टू द पॉइंट क्यों नहीं बात कर रहे? शंकर जी आप सवाल लेना नहीं देना चाहते, आप सवाल सरकार से नहीं करना चाहते, आप विपक्ष को घेरना चाहते हैं, आप विपक्ष की आवाज को, जनता की आवाज को दबाना चाहते हैं। बिल्कुल नहीं विभाजी, शंकर जी इससे ज्यादा बिल्कुल नहीं विभाजी, मैं पीत पत्रकारिता नहीं करता, आप बीजेपी के मैं पीत पत्रकारिता नहीं करता, सवाल सीधे है विभाजी, आपने कहा ना विभाजी, आपने कहा ना कि समाजवादी पार्टी आप सुन नहीं रही है, समाजवादी पार्टी ने सरकार ने बहुत काम किया निजी स्कूलों के खिलाफ, क्या काम किया बताइए, दो तीन पॉइंट बता दीजिए आपने, आपके पास आंसर नहीं है विभाजी, आपके पास आंसर ही नहीं है, सीमा जी के पास नहीं है, सीमा जी मैं बस इतना जानना चाहता हूँ, आप ही बता दें, लंबा संघर्ष रहा है विभाजी, जो इतना तेज बोल रही है, मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा तर्क के साथ बात करें तो कई चीजें क्लियर हो जाए। अब सीमा जी बताएं, बहुत तर्क दे रही हूं, लेकिन आप तर्क सुनना नहीं चाहते, आप मेरी बात सुने विभाजी, सीमा जी कितने साल से आप संघर्ष कर रही हैं कि अभिभावकों को न्याय मिले, कितना साल हो गया आपको? पिछले 10 साल से लगातार ये संघर्ष चल रहा है। 10 साल के आप मेरी बात सुनो, 10 साल के दरमियान दो सरकारें आ गई, समाजवादी पार्टी की सरकार और बीजेपी की सरकार, थोड़ा मुझे आप कंपेयर करके बता दें किसने इनिशिएटिव लिया, नहीं अभिभावक की संवेदना को समझने के लिए किसने इनिशिएटिव लिया? गौरी शंकर जी मेरे से आप राजनीतिक सवाल ना पूछें, मैं आपको रियलिटी बताती हूँ। चलिए बताइए, क्योंकि मेरा किसी यही मैं जानना चाहता हूँ, यही मैं जानना चाहता हूँ, जिसने इनिशिएटिव लिया उसका क्रेडिट उसको जाता है, ये फैक्ट है कि पिछली किसी भी सरकार ने प्राइवेट स्कूलों पर नकेल कसने के लिए कुछ नहीं किया, ये फैक्ट है, ये रियलिटी है, रियलिटी यही है। बीजेपी सरकार ने प्राइवेट स्कूलों पर इनिशिएटिव लिया, लेकिन जो योगी जी की इच्छा थी, जो हमारे राज्य मंत्री जी की इच्छा थी, जो विधायकों की इच्छा थी, जो पेरेंट्स की इच्छा थी, जो गाजियाबाद की पूरे NCR की जनता सड़क पर खड़ी थी, जो इच्छा थी, ये बिल उस इच्छा के विपरीत बिल्कुल भी नहीं है। कमी बता दें थोड़ा सीमा जी, ये बिल सिर्फ बेवकूफ बनाने के लिए दे दिया है। मैं विधेयक में क्या अच्छा है,
विधेयक हाँ। में क्या अच्छा है मैं उस पर बात ही नहीं करना चाहता, मुझे हाँ। ये बताएं अगर अगर सरकार की तरफ से गलतियां हुई हैं, अगर लग रहा है कि सरकार ने हमारी बातों हाँ। को नहीं नहीं सुना तो आप बताएं गलतियों पर हम लोग बात करते हैं किस तरह की गलतियों को अप्रोच कर रहे हैं। और आपके माध्यम से मैं अभी भी चाहती हूँ कि अगर ये लोग बिल में कुछ अमेंडमेंट करते हैं तो ये बिल वास्तव में बहुत अच्छा है जी। अगर इसमें कुछ अमेंडमेंट हो जाए जो हम लोग चाहते थे, बताइए। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि कॉमर्शियल एक्टिविटी स्कूल में अलाउड नहीं है, तो आप उस कॉन्स्टिट्यूशन से ऊपर होके बिल बना रहे हैं क्या? आप कॉमर्शियल एक्टिविटी क्यों अलाउ कर रहे हैं? नंबर वन। एक छोटी सी बात मैं गौरीशंकर जी पूछती हूँ, आपको हमें सैलरी मंथली मिलती है ना जी? हम सैलरी मंथली पाते हैं ना, नेताओं की छोड़ दो, हम और आप पेड एम्प्लॉय हैं, हम सैलरी मंथली लेते हैं ना, तो मैं या आप अपने बच्चे की फीस 3 महीने की या 6 महीने की कैसे दे सकती हूँ? मैं बिल में ये चाहती थी कि सरकार प्राइवेट स्कूलों को ये कहे कि सभी स्कूल मंथली फीस लेंगे। आप जब नियम बना रहे हैं तो नियमों में खिड़की क्यों खोल रहे हैं प्राइवेट स्कूलों के लिए? रही बात प्राइवेट स्कूलों की, तो प्राइवेट स्कूल सपा के भी हैं, बसपा के भी हैं, और आप सब जानते हैं सबसे ज्यादा बीजेपी के हैं जी। ओम पाठक की DPS सीरीज है और ओम पाठक बीजेपी की इलेक्शन कमेटी का मेंबर है। ओम पाठक जी का ऑफिस अमित शाह जी के बराबर के ऑफिस में है और उस ओम पाठक के ऊपर कोर्ट में केस चल रहा है। तो जो शिक्षा माफिया आपके बराबर में बैठता है, क्या आप उसके स्कूलों पे अंकुश लगाएंगे? यही सवाल है सीमा जी, दरअसल यही सवाल था। देखिए मैं यही पूछना चाह रहा था कि आप लोगों की इच्छा कुछ और थी, योगी जी कुछ और चाहते थे, विधायकगण जो थे कुछ और चाहते थे। अगर एक कमी दिख रही है, अगर एक कमी दिख रही है नियमावली में, तो कहां गड़बड़ झाला हुआ? जयप्रकाश जी, गड़बड़ जयप्रकाश, देखिए बहुत बड़ा आरोप लग रहा है जयप्रकाश जी, ये गड़बड़ झाला कहां हुआ जयप्रकाश जी? आप जयप्रकाश जी के माध्यम से मैं चाहती हूँ योगी जी तक पहुँचे। सीमा जी, अगर इस आरोप को उन्होंने ध्यान नहीं दिया तो ये समझ लें कि फिर से जनता कुछ ना कुछ गलत डिसीजन ले लेगी। मैं थोड़ी देर के बाद सीमा जी आपके पास लौटूंगा, जानने की कोशिश करेंगे, थोड़ा और भी इसको एक्सपेंड करने की कोशिश करेंगे कि विधेयक तो पास हो गया, कानून भी बनेगा, लेकिन कई ऐसी जरूरतें हैं जिस पर सरकार ने बहुत बड़ा एक्शन नहीं लिया। जयप्रकाश जी, एक बड़ा आरोप लग रहा है कि आप लोगों की इच्छा तो कुछ और थी, लेकिन बीच में एजुकेशन माफिया आ गया और आप लोग वहाँ पर मजबूर होकर कई सारी चीज़ों को आप लोगों ने अनसुना कर दिया, विधेयक में उसकी जगह आप लोगों ने दिया नहीं। देखिए, हमारी सरकार किसी माफिया के डर में नहीं रहती है, ये दुनिया जानती है, प्रदेश की जनता जानती कोई है जानता, कोई और जनता जैसा कि सीमा जी बता रही थी कि अगर बहुसंख्यक स्कूल बीजेपी के विधायकों या बीजेपी के कार्यकर्ताओं के हैं तो हमारी सरकार क्यों लाई? 15 साल से तो था नहीं, 90 से प्राइवेट समस्या है, बाजारीकरण है स्कूलों का। दूसरी चीज ये है कि इनको शायद ज्ञान नहीं है सीमा जी को। अच्छा, आपको ज्यादा ज्ञान है? अरे आपको ज्यादा ज्ञान है, हम तब नहीं जो आपने बिल पढ़ा है। जिस तरीके से लोग जयप्रकाश से पूछे, जिस तरह लखनऊ के अंदर जरा इनसे पूछिए, ज्यादा ज्ञान है? एक बच्चे के साथ उस दिन कमेटी में बैठे हैं, ये इन्होंने तरीके से दो व्यक्ति की बातें है, उसके डिबेट बनाए हैं, साथ होते हैं बैठे हैं, महिला सुरक्षा ले आए, इन्होंने ये कागज देखा है क्या? आपसे पहले महिला सुरक्षा ले आए, ये कह रहे हैं इनको ज्ञान नहीं है, इनको ज्ञान है? जयप्रकाश जी विधेयक पर लौटते हैं, कोई राजनीतिक चर्चा हम लोग करने के लिए नहीं बैठे, और विभा जी से हम भी एक छोटे से ब्रेक के बाद हम लौटेंगे और विभा जी से पूछेंगे कि ठीक है राजनीति करना एक अपनी जगह अच्छी बात हो सकती है, लेकिन अगर किसी के बच्चे हैं, स्कूल जाते हैं, फीस लगातार बढ़ रहा है, सरकार किसी की भी हो, समाजवादी पार्टी की ही क्यों ना हो या फिर बीजेपी की ही क्यों ना हो, आखिरकार नकेल नहीं कसने के पीछे किस तरह की वजह है? समाजवादी पार्टी के टाइम में क्या एजुकेशन माफिया नहीं थी? बीजेपी की सरकार के टाइम में क्या एजुकेशन माफिया नहीं है? और क्या ऐसा लगता है कि जब भी इस तरह के नियम बनते हैं, कानून बनते हैं, विधेयक पास किए जाते हैं, तो इन एजुकेशन माफियाओं के सामने सरकार पूरी तरह से मजबूर होती दिखती है? एक छोटे से ब्रेक के बाद तीनों मेहमान हमारे साथ बने रहें, हाजिर होते हैं बस।